She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have. हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में आपको मेरा मेकअप लुक देख के पता ही चल गया होगा कि हम कौन सा मेकअप लुक करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज किया हुआ है। अब हम ले रहे हैं प्राइमर, और प्राइमर को हमने अच्छी तरीके से लगा लेना है। इससे मेरी स्किन का जो टेक्स्चर है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो ईजीली ब्लेंड हो जाए। इसके बाद हमने लेना है अपना स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसको मैंने अपनी लिड पे अंडर आइज पे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, और हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको इसको अपनी आइज पे ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैंने अपने प्रेस्ड पाउडर से इसे सेट किया है, ताकि जो क्रीम वाला प्रोडक्ट है वो आईज़ में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, लाइट ब्राउन शेड लिया, इसको अपनी आईज़ में नॉर्मली अप्लाई करके अगर हार्श लाइन दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि शेड कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो इस तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको इस तरीके से लगा लेना है। इसके बाद ये गोल्डन बॉय शेड लेके, गोल्डन शेड है ये, इसको लेके मैंने हल्का सा अपने आईलिड पे अप्लाई किया, तो आई लुक जो है वो बहुत सिंपल होने वाला है। क्योंकि मैं चाहती थी कि आज का आई लुक ऐसा हो जिसको कि कोई भी देखे तो उसको ईजिली देखते ही ये आ जाए कि हम किस तरीके से अपना आई शेडो हमें जो है लगाना है। कहीं भी आप जा रहे हो, इस तरीके से सिंपल से मेकअप करके आप रेडी हो सकते हो, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिसेंट लगता है। इसके बाद मैंने लाइनर लगा लिया है, विंग लाइनर, जैसा भी आपको पसंद आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। लॉरियल का फाउंडेशन ले रही हूँ मैं, इसको मैं हल्का हल्का अपने स्किन में जो है चीक्स में लगा रही हूँ। पहले सेंटर ऑफ चीक्स में लगाते हैं, उसके बाद पूरे फेस में स्प्रेड करते हैं उसको। ठीक है, तो अच्छी खासी जो है ये कवरेज मुझे दे देता है। मतलब मुझे पसंद है कि जो मेरा बेस हो वो काफ़ी नेचुरल लगे, वो इतना ज़्यादा ये नहीं लगे कि बहुत केकीनेस है और बहुत ज़्यादा मैंने जो है प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। इसलिए मैं इस फाउंडेशन को चूज़ करती हूँ, और इस तरीके से मैंने जो है इसको लगा लेना है। अच्छी तरीके से फेस में अप्लाई करने के बाद हम ले लेंगे अपना लाइट शेड का कंसीलर। इस तरीके से आपको कंसीलर को लगा लेना है, जहाँ पे आपकी हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे। लगा लेने के बाद हम इसे कर लेंगे ब्लेंड। तो जब भी आप आईज़ के पास में ब्लेंड करें, आप बहुत हल्के हाथ से करें, क्योंकि जो आईज़ होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वहाँ की स्किन बहुत थिन होती है। और इस तरीके से मैंने अपने जो है हाईलाइट कर लिया फेस को। अब मैं फिर से जो है थोड़ा सा प्रेस पाउडर से इसको सेट करूँगी। इस तरीके से मैंने ले लिया है ब्रॉन्जर, और ये फेसेस कनाडा का ब्रॉन्जर है, काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है। लगा लेना है हमने इसे इस तरीके से, ताकि जो शेडो है हमारे फेस में आ जाए। ऐसे लगा लेने के बाद आपने नोज़ में थोड़ा सा कंटूर देने के लिए भी लगाना लेना है। डायमेंशंस मिल जाती हैं हमारे फेस को, और बहुत ही वार्म लुक देता है ये, बहुत अच्छा लगता है फाइनल लुक आने पे ब्रॉन्जर लगाने के बाद। इसके बाद मैंने शुगर का ब्लश लिया है, इसको ले लेना है, और इसको मैं अपने एप्पल ऑफ चीक्स में अप्लाई कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। नोज टिप पे लगाना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद हमने ले लेना है हाइलाइटर, और जहाँ पे भी हमें हाइलाइट करना था वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है, इससे मैंने अपनी ब्रोज़ को फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। तो जब भी आपको आईब्रोज़ का नेचुरल लुक चाहिए हो, आप अपना जो है लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको लिख देना। थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ड्रामेटिक ब्रोज लेनी है तो थोड़ा डार्क ब्राउन ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपना परफेक्ट जो है आई शेडो शेड चूज़ कर सकते हैं आईब्रोज़ के लिए।
और यहाँ पे मैंने फिर एक लाइट ब्राउन शेड यूज़ किया है अपने लोअर लैश लाइन के लिए, ताकि जो मेरी लोअर लैश लाइन है उसको मैं थोड़ी सी डेप्थ दे सकूँ। फिर से हम हाइलाइटर लेंगे और अब ब्रो बोन पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से लगाने के बाद अब हमारे फेस में बस एक ही चीज़ की कमी रह गई है, सब कुछ हो गया है, तो लगा लेनी है हमने अपनी लिपस्टिक। फेसेस कनाडा की ये लिपस्टिक मैं ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छी तरीके से अपने लिप्स में अप्लाई कर लिया है। हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन है। लाइटिंग में आपको थोड़ा सा आज जो है मेकअप में लाइटिंग में आपको थोड़ा सा चेंजेस लग सकते हैं, उसकी वजह से मेकअप आपको चेंज दिखेगा। और लैशेस लगा के हमने कर लिया है डन। तो आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है इस लुक को लेके। अगर आने वाले टाइम पे और कोई लुक देखना चाहते हो तो वो भी आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। अब मैं मिलूँगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।